सो फ्रेंड्स, एमपी स्टाफ नर्स आप सभी को मालूम भी है कि मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स को ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर्स का दर्जा ऑलरेडी यहाँ पे दिया जा चुका है। तो दोस्तों, एमपी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए लिस्ट यहाँ पे वेबसाइट पे जारी की गई और ये जो लिस्ट है पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है और ये जो लिस्ट यहाँ पे जो आई है जीआरएमसी ग्वालियर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जीआरएमसी ग्वालियर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और जो लिस्ट यहाँ पे जो आई है इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसकी वेबसाइट है जीआरएमसी ग्वालियर की, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जीआरएमसी ग्वालियर की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर नर्सिंग ऑफिसर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी रिसेंटली ये जानकारी यहाँ पे आई है। आप सभी को अपने नाम लिस्ट में यहाँ पे सर्च कर लेने हैं, यदि लिस्ट में नाम आपका शामिल है तो अब आपको ज्वाइनिंग करनी है और ज्वाइनिंग कितने दिनों में कर लेनी है ये भी अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले लिस्ट को ओपन करता हूँ, उस पर यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करके और इस पीडीएफ फाइल को बिल्कुल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्ट है, इनमें कैंडिडेट्स के नाम इस तरीके से यहाँ पे शामिल कर लिए गए, ठीक है। और इनमें जितने भी कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं तो आपको नियुक्ति ले लेनी है, इसका निर्देश आपको ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा। तो इसकी ओर बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी को देख लेते हैं। देखिए, ये आदेश यहाँ पे जारी हुआ है, अभी रिसेंटली ये आदेश यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसमें ये पूरे पैराग्राफ में जो मेन इन्फॉर्मेशन है आप लोग यहाँ पे देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद अस्थायी रूप से उनके सम्मुख दर्शाए गए स्थान पर स्वशासी के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पद पर संयुक्त संचालक और अधीक्षक जयरोग चिकित्सालय समूह ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है, जो निम्नलिखित अनुसार है। तो यहाँ पे जीआरएमसी ग्वालियर में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही, यहाँ पे आपका नाम है, इसके बाद आपके पिता या फिर आपके पति का नाम है, इसके बाद आपकी कैटेगरी है और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पर्सनल डिटेल भी आपको दे दी गई, जैसे कि आपका एड्रेस। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें देखिए कितने कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं, सबसे पहले ये देखें तो कुल मिला के इसमें 30 कैंडिडेट के नाम इंक्लूड यहाँ पे कर लिए गए हैं। और यहाँ पे जितने भी 30 कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पे बोला गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर उनके सम्मुख दर्शाए गए पदस्थापना स्थल कार्यालय में आपको उपस्थिति देना है। तो दोस्तों 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो जारी होने से देखिए कब ये जारी हुआ है, डेट मैं दिखा देता हूँ, 17 अगस्त 2024। तो 17 अगस्त 2024 को अभी हाल ही में ये जारी हुआ है। तो यहाँ से 15 दिन है, ठीक है, यहाँ से 15 दिन आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। 15 दिनों के भीतर आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग सुनिश्चित आपको यहाँ पे कर लेनी है और ये पूरा जो है आदेश आ चुका है। सैलरी पैकेज आपको बता दिया गया, ये वेतन आपको यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और 3 वर्ष का प्रोविज़न पीरियड में आप लोगों को ज्वाइनिंग आपको इसमें यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है इसमें कि ये सभी जितने भी कैंडिडेट्स थे, ठीक है, लिखा है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय ग्वालियर से संचालित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण 30 बॉन्डेड उम्मीदवारों को कार्यालय पत्र क्रमांक। तो ये 30 यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं ये सभी बॉन्डेड हैं, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग यहाँ पे पाठ्यक्रम यहाँ पे किए हुए हैं और जो महाविद्यालय से संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय ग्वालियर है तो यहाँ से ये सभी बॉन्डेड नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है, इसके लिए ये पूरा आदेश यहाँ पे आया हुआ है। तो जो भी अपडेट था मैंने कवर किया और देखिए ये वैकेंसी को आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे, ये वो वाली वैकेंसी नहीं है जो जीआरएमसी में निकाली गई थी, ठीक है, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट थी और ओटी की वैकेंसी थी, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट थी। तो ये वो वाला रिक्रूटमेंट नहीं है और ना ही ये एमपी एनएचएम, ठीक है, एमपी एनएचएम जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, तो ये वो वाला भी रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। ये अलग यहाँ पे जानकारी है और ये दोनों यहाँ पे अलग यहाँ पे जानकारी थी। तो इन सब में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो ये भी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर ली। तो ये 30 कैंडिडेट अपने यहाँ पे 15 दिन में ज्वाइन कर लें, यही अपडेट है। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।